नई दिल्ली। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता भी अब बढ़ गई है। कोविड 19 और H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के बीच अब कोरोना वापसी कर रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा से लेकर गुजरात तक से लोगों की मौत की खबरें सामने आने लगी है। पिछले कुछ महीनों में कोरोना के मामलों में गिरावट भी देखी गई थी, लेकिन अब देश में अचानक कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। ऐसे में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री एक्शन मोड में आ गई है और कोविड 19 को लेकर नई क्लिनिकल गाइडलाइंस जारी की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड 19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर एडल्ट्स के इलाज को लेकर रविवार 19 मार्च को नई गाइडलाइंस जारी की। नए दिशा निर्देशों में कहा गया कि एंटीबायोटिक्स का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का क्लिनिकल संदेह न हो। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कोरोना के साथ साथ कोई अन्य वायरल इन्फेक्शन न हुआ हो। हल्की बीमारी पर सिस्टेमिक और कार्टिको स्टेराइड न लें। शारीरिक दूरी, इंडोर मास्क का उपयोग और शरीर के तापमान और ऑक्सीजन लेवल की निगरानी करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दवाई WN न्यूज़।